दोस्तों, अस्थमा के अंदर मुंह से खाने वाली दवाई की तुलना में सूंघने वाली दवाई ज़्यादा अच्छी रहती है। मुंह वाली दवाई पहले पेट में जाती है, फिर खून में आके फेफड़े में जाती है, जबकि सूंघने वाली दवाई सीधी सांस में चली जाती है और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। मुंह वाली जो दवाइयाँ होती हैं सब उनकी मात्रा मिलीग्राम में होती है, सूंघने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनकी सबकी मात्रा माइक्रोग्राम में होती हैं, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। मतलब मुंह से अगर 1 रुपया दवाई लेनी पड़ रही है तो सूंघने वाली 1 पैसे में काम हो जाएगा, इसलिए उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ये दवाई दो तरह की आती है, एक तो पाउडर फॉर्म में आती है, उसको रोटाइलर या रोटा कैप्स बोलते हैं। तो ये कैसे लेना होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए कैप्सूल आता है, ये कैप्सूल ऊपर से पिंक कलर का होता है, नीचे से ट्रांसपेरेंट होता है। फिर इस कैप्सूल को इसमें रोटाइलर में एक जगह होती है, उस जगह में अपने को इसको रखना होता है। जैसे ये कैप्सूल है, ये इसमें जगह है, तो इसको इसमें रख के और ऊपर से अच्छी तरह दबा देना होता है। फिर दबा के नीचे से ऐसे घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा, दवाई इसमें नीचे आ गई। फिर अपने को खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सांस को बाहर निकाल देना चाहिए, बहुत लंबा और गहरा सांस लेना चाहिए, गर्दन को थोड़ा ऐसे ऊपर कर लेना चाहिए, और सांस खींचने के बाद में 10 सेकंड तक अपने को सांस को रोके रखना चाहिए, जिससे वो दवाई वहीं रहेगी और अपने सांस जहां उसको सांस की नली में जाना होता है। मेन जो अस्थमा की बीमारी होती है वो सांस की नली की बीमारी होती है, नली में सूजन आती है। एक तो हवा मोटे पाइप में से जाएगी, एक पतले में से जाएगी, तो ये जो दवाई है उस पाइप को वापस खोलने का काम करती है। तो इसको लेने का ये तरीका होता है, इस दवाई इस डिवाइस को मुंह और दांतों के बीच में अच्छी तरह पकड़ के और ऊपर देख के और धीरे 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 और लंबा गहरा सांस लेना चाहिए, फिर 10 सेकेंड तक इसको रोक के रखना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ।